15 साल तो सेवा करें एक मंदिर से। यसी ये नहर कोई डस्टबिन नहीं है किसी इतिहास के अंदर, हमारी ये चीज लिखी नहीं है। एक भी आप 10 फुट का गणेश जी बनाओ तो विसर्जन कर दो उस चीज। ये फेवर है ना, तो ये पिंगलू का ना गड़ू का ही, गड़ू का थोड़ा घना चूरा होगा, जीव के पेट में जाएगा, जीव की हत्या होगी। आपके सामान डालने से किसी की जीव हत्या होती है तो आपको 7 पुस्तों का पाप लगता है, हमारा शास्त्र कहता है जी। कला मानव जाति का अधिकार नहीं है, पूरी जीव जाति का अधिकार है। और इसमें मैं अपनी आस्था के लिए, मेरी श्रद्धा के लिए मैं इसको गंद नहीं डाल सकता है। लगता नहीं भी कितने कितने इन्ने वहमा भरमा च पै गए भी आप चकते हैं तो हर चीज नहर च छिड़ते हैं, यही पानी आप पीना। ये तो है जी, वाली टैंकी च गंद क्यों नहीं पा लेंगे, आप ये चीज क्यों पाने। नहर के डेली का 7-8 क्विंटल समान रोक रहे हैं। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी, तो मैं हाँ जस्सी बराड़। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, कहिंदे इह तीन चीज़ां एक इंसान नूं जाउण लई बहुत जरूरी ने, पर इह तीनों चीज़ां इंसान ने गंदलियां कर लियां। कहिंदे आपां अपनी हवा भी गंदली कर ली, अपना पानी भी गंदला कर लिया, अते धरत माता भी गंदली कर ली। अक्सर धरती नूं माता दा दर्जा दित्ता गया तो उस माता दे विच आपां इन्ना क जहर पाता भी वह इन्नी क गंदली हो गई। अज जो कोई भी चीज़ आपां खाने पीने तो आपां नूं गंदली मिलती है। तो पानी जिहड़ा नहरां दे राहीं अपने घरां तक पहुँचता है, क्योंकि वाटर सप्लाई उन्हां नहरां दे विच्चों हुंदी है, पर बहुत सारे लोग जिहड़े जिन्हां नूं पता ही नहीं भी ये पानी किन्ना क अपने लिए जरूरी आ, वह इस पानी नूं इन्ना क ज़्यादा गंदला कर रहे आ, इस पानी दे विच लिया के अपने घर का कूड़ा करकट इत्थे सिट दिंदे आ। भावें वह धूफ की सवाह होवे, भावें वह किसी भी किस्म का देवी देवतां दीआं फोटोआं होण, जां होर बहुत सारियां चीज़ां, कहिंदे जी जल प्रवाह करदे आ। तां इह जल प्रवाह किन्ना क सही आ इह तुहानूं वी पता होना चाहिए। पर इक तस्वीर दिखावां मैं, बठिंडा नहर की तस्वीर है। ये जो बठिंडा नहर की तुसीं तस्वीर देखते हो, पानी दीआं छल्लां बिल्कुल आ रहीआं ने। तो इन छलों के लोग लिया के अपने घर का जोड़ा कूड़ा करकट है, समान है, फोटो है, वह आदि सिटते रेंदे आ। अज असी भी बठिंडा नहर पर पहुंचे तो तुम तस्वीर दिखाई, बहुत सारे लोग पुल के उपर खड़ के सिट देंगे। तो असी इतने जो कैमरा लैके खड़े तो बहुत सारे लोगों ने साढ़े इतराज भी किया भी असी ये पानी के जल प्रवाह करना जी, ये धार्मिक ने, तो ये चीज़ा कित ना कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते भी मंदभागिया ने। मंदभागिया तो ने हर बंदा आपदा ही उल्लू सीधा रखता, वह कहता भावें कुछ हो जाए असी तो सही हाँ, क्योंकि ये पानी वाटर वर्क्स के नाल तुहाडे घर तक जाना है, फिर आप उही पानी नूं पीना, फिर कह दिंदे जी फिल्टर हो गया, खेतों के विच भी जाना है। तो बहुत सारे लोग इत्थे आउंदे ने, पर इधर की तस्वीर मैं तुहानूं दिखा देवां, बहुत सारे लोग इत्थे आके नहा भी रहे ने, तुसीं देखिया होवे तस्वीरां दे विच, बहुत सारे लोग इत्थे आके नहाउंदे ने, कपड़े धोंदे ने इन्हां नहरां दे विच जा के। ये भी एक तरह की गंदगी है, क्योंकि इत्थे आके कपड़े धोने तो उहदे विच पानी है जिहड़ा वह गंदला हुंदा ही आ। तो तस्वीर तुसी देख रहे हो, ये तस्वीर ने, ये तस्वीर के वक्रे वक्रे किस्म के लोग आते हैं, पर तुसी देखो हजे भी लोग नहीं हटते। पर अज एक वक्री तस्वीर तो आया, इतने भी तुसी देखो एक पंडित जी आए ने, तो वह समान उन्होंने रोक रहे, आप गलबात पंडित जी भी करा, कहते पंडित वहमा भरमा च पाउंदे है। पंडित जी स्वागत है तुहाडा प्राइम एशिया ते। जय श्री महाकाल भाई। होर सेहतां ठीक ने पंडित? बहुत वधिया, दया जी मालिक दी। पंडित जी एक ना कहावत बनी है, पंडित जी कहिंदे भी कहिंदे जिहड़े पंडित हुंदे ना लोकां नूं वहमां भरमां च पा दिंदे आ, कहिंदे भी जिहड़ा समान है वह तुसीं जल प्रवाह करके आओ, तुहानूं फलाणा चीज़ की प्राप्ति होजूगी, फलाणी चीज़ जेकर तुसीं पानी च सिट दोगे तो फलाणी चीज़ की प्राप्ति होजूगी। तो इधर मैं देखिया बाई जी उन्हीं फोटो तो साढ़े देवी देवतां दीआं जिहड़ियां तस्वीरां जिन्हां नूं असीं पूजदे आ, मत्था टेकदे आ, नमन करदे आ, वह भी इत्थे लै के सिटना जांदे आ। वीर जी पहली गल तो तुहानूं मैं ये चीज़ सारे दर्शकों को राम राम। जिहड़ी तुसीं पंडित वाली गल कर रहे हो ना कि भी ये सारी चीज़ां ब्राह्मण ही दसद, 70% तो जिहड़ी चौंकी लाते हैं, गद्दी लाते हैं या होर ऑफिसा च बैठते हैं, ब्राह्मण है ही नहीं है। दूजा नंबर जिहड़ा ब्राह्मण मंदिर च बैठा है, शास्त्री है, पढ़िया लिखा है, वह कभी मैं एक मंदिर च हाँ 15 साल तो सेवा करें एक मंदिर से, यसी ये नहर कोई डस्टबिन नहीं है। आज तो 25-30 साल पहला अपना बड़े नहर चो खाला चो
सीधा पानी पी लेंगे सी। बिल्कुल किसी बर्तन च या किसी भी चीज़ की पानी की जरूरत नहीं सी। आज हालत ये कर दी है कि भी लोगों भी जड़ी चीज़ आप कहते ना कि विसर्जन करनी है। शास्त्र कहता भागवत का पहला ही श्लोक है ध्यानम भय वसीकृत न मनसा। अगर भी किसी भी चीज़ का जल जो है मानव जाति की जीव जाति के लिए अमृत है। और कहते आप जल में कोई भी चीज़ डालते हो उसका आपके समान डालने से किसी की जीव हत्या होती है तो आपको सात पुस्तों का पाप लगता है। हमारा शास्त्र कहता है जी अगर भी आप वो चीज़ जल में विसर्जन कर सकते हो जिस चीज़ को जीव खा के जीवों की हानि ना हो। अट्टा हो गया, चावल हो गए। अब किसी भाई ने ये संदूर डाल रखा है, देखो संदूर क्या चीज़ है। संदूर ठीक है ना, संदूर के अंदर पारा होता है। बिल्कुल अच्छा, पारा किसी के शरीर में ग्राम तो बहुत दूर की बात है, ग्राम का एक हिस्सा भी चला जाए ना जी बंदे की आवाज को रोक देता है जी। ठीक है, नहर में ना ही अपना शास्त्र में कहीं लिखित है। अब बहुत लोगों की आस्था है, कहीं कोई मिर्ची की भी लगेगी। अब गणेश विसर्जन का आप बात करते हो, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूँ, किसी शास्त्र में किसी इतिहास के अंदर हमारी ये चीज़ लिखी नहीं है कि भी आप 10 फुट का गणेश जी बनाओ तो विसर्जन कर दो उस चीज़ को। अगर जी आपकी आस्था भी है या किसी भी चीज़ का भी, आप आस्था को ले जीवों का हानि तो ना पहुंचाओ ना जी। ये हमारा शास्त्र नहीं कहता जी। पंडित जी लगता नहीं भी कितने ना कितने भी बहुत सारे लोग है जेडे घर जिमें अगरबत्ती है, अगरबत्ती का जो कहें राख होंगी भी एक बहुत ज़्यादा जहरीली होंगी है, वह बहुत सारे कैमिकल्स होंगे है, बहुत सारिया ऐसा चीज़ा ने जो ये लिया के सीटिया जाने ने। तो हूँ मूर्ति है, आप मूर्ति लेके आ रहे हैं, इन्हें की कैमिकल नहीं है, ये फाइबर है ना, तो ये पिंगलूगा ना गलूगा, ही गलूगा थोड़ा घना चूरा होगा, जीव के पेट में जाएगा, जीव की हत्या होगी। ये मूर्ति है, लैमिनेशन है, कंचे इसमें, ठीक है, ये नुकसान देगी, हर एक चीज़ को नुकसान है। अब जिम्मेदार के खेत में चली जाती है, अगला आशीर्वाद तो देगा नहीं, गालियाँ निकालेगा, किसी भी का स्वरूप चला गया भगवान का। ठीक है, इधर एक ही प्राणा है, या तो आप अग्नि को भेंट करो, गुरु वाणी से भी लिखा गया है कि भी दाह संस्कार का, तो हमारे शास्त्रों में भी इस चीज़ का लिखा है कि भी कोई भी चीज़ है, जल तो साक्षात देवता है यार, अमृत है। बिल्कुल ठीक है, ये एक कलम मानव जाति का अधिकार नहीं है, पूरी जीव जाति का अधिकार है। और इसमें मैं अपनी आस्था के लिए, मेरी श्रद्धा के लिए मैं इसको गंध नहीं डाल सकता इसमें। तो ये क्या चीज़ है अपने पास, हमने इसका एक पराड़ा किया है, रक्षा बनाई है रेडी ऑटो, उसमें हम सारा सामान कहते हैं लोगों के घर में जाते हैं। अभी आप भाई नहर पे ना आए, हम आपके घर पे आते हैं, आप ये सारा सामान रेडी में डालो। मैं देखा आज भी तुसी नहर के किनारे खड़ के लोगों को बेनती कर रहे हो, भाई नु भी हाथ हाथ बन्ने, तुहानू किने कहा सी इहदे विच सिटण नु जी? ये साढ़े घर मतलब कि पूजा पाठ होंगे जी, जो प्राणी आती है, तो असी इस करके नहर के विसर्जन करना आए थे जी। तो सानू पंडित जी ने सानू रोकया कि ये काम गलत है, थोड़े वास्ते थोड़े वास्ते रेहड़ी लाई हुई है, थोड़े घर च आऊगी, तुसी इहदे विच रख सकते हो। चंगा उपराला पंडित जी का, वो चंगा है जी उपराला जी। लगता नहीं भी कितने आप इन्ने वहमां भरमां च पै गए भी आप चकते हैं तो हर चीज़ नहर च सुट्ट दिंदे हैं, यही पानी आप पीना? ये तो है जी, आप घर वाली टैंकी च गंद क्यों नहीं पा लेंगे, आप ये चीज़ क्यों पाने? अज कितने कितने चीज़ महसूस तो हुई होनी। ये तो है जी, बहुत महसूस हो रही है अज सानू जी। बिल्कुल पंडित जी लगता नहीं भी ये जिवें हुण मैं एक बाई जी नूं गल कही भी घर वाली टैंकी च समान सुट लो, वीर जी धर्म दा इस्ता कोई ललख खा दे, कोई कोई लैण देण नहीं, कोई लैण देण नहीं। ठीक है, चाहे आप सिख हो, चाहे मोमडन हो, चाहे आप क्रिश्चन हो, पानी तो आपको सबको जरूर। बिल्कुल ठीक है, सिख धर्म च भी हैगा, बहुत सारे लोग अखंड पाठ साहिब प्रकाश कराउंदे आ तो लिया के सारा समान इहदे विच सुट दिंदे आ, हुण भी देखो ओह देखो लोक जिहड़े लोक आ हजे भी ये चीज़ ठीक है ना। आपां एक चीज़ होर देखो जी, आप भागवत करते हैं, आप कथा करते हैं, चाहे कीर्तन होता है, इतने इतने बड़े कीर्तन होते हैं, लाखों आदमी आते हैं, बाद में वो कई टन सामान इकट्ठा होता है, कई क्विंटल सामान इकट्ठा होता है, वो भाग क्या करते हैं, सारा लेके नहर में डाल देते हैं। यार आप लोग इतना बड़ा पुण्य कर रहे हो, इतना आप धर्म का काम कर रहे हो, आप कथा करवा रहे हो, लेकिन लास्ट में आके आपने क्या कर दिया ये? ठीक है, कम से कम हमने यही किया है, मंदिर श्री माँ बगलामुखी चंडी धाम नरवाना रोड से बादल रोड से मंदिर बना रहे आप, उत्थे सारा समान इकट्ठा करते हैं, तो उत्थे जाके आप संस्कार कर हवन कुंड टाइप बनाया, हवन कुंड बनाया जी। मैं प्रशासन भी यही मांग करता, मैं दिखाना हवन कुंड नहीं कह सकते, अग्निकुंड अग्निकुंड प्रशासन भी यही विनती करते हैं भी सानू इतने जगह दी जाए, अगर भी असं भी इतने एक हवन कुंड बना दिए, जेड़ा भी बंदा होगा इतने एक बंदा बिठावे, अगर भी लोगों की आस्था है, आप यही नहीं कहते भी कोई भी चीज़ है मूर्ति है पैरों से भी नहीं आनी चाहिए, बंदा इतने रखे इतने जगह बनावेंगे प्रोपर, हर रोज उसका अग्नि संस्कार करा करा। ठीक है, हुण तुसी देखो कि घट्टो घट तस्वीर दिखावा एक बार पंडित जी, चार क्विंटल समान इकट्ठा होंगे जी डेली का, अब चार चार पांच पांच क्विंटल समान जो इकट्ठा हो रहा है, ये जी फाइबर दी है, ये सब तो बड़ी
दिक्कत आती है सानू जो यही जल्दी भी नहीं छेती। बहुत सारा समान ऐसा है जिवें धूफ है आ तुसीं देख सकदे हो जिवें जिवें धूफ दे डब्बियां ने इहदे विच तुसीं देख सकदे हो लोक मतलब जिवें इहदे लिया के धूफां सिटियां धार्मिक ग्रंथ ने भावें फुल है जी। अभी तुसीं किसी नूं गिफ्ट आया होना अग भी इह कोई जलपुर वाली चीज़ है इहदे नाल कागज़ है इहदे नाल कैमिकल है निरा कैमिकल है। अभी तुहाडी इक आस्था दूजे की बीमारी का कारण तो ना बने ना जी। बिल्कुल दीवे है दीवे कम तो आ सकते हैं। अरे आ देखो जी दीवे पा रखे हैं आ मिट्टी दे पा रखे हैं ठीक है सर इनू सिटण दी की लोड़ सी वैसे कम नहीं आता घरे ठीक है ना। किसी पक्षी के लिए लगा दो जी आप लेकिन आपा क्या चीज लकीर के फकीर है जी आपा शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते शास्त्र का मजाक बना के चलते हैं आपा। बिल्कुल जिस दिन आपा शास्त्र के हिसाब से चलने लगे सनातन धर्म आपको कभी भी किसी भी चीज की जीव हत्या की इजाजत नहीं देता जी। और जल को तो साक्षात हर एक चीज का हम स्वरूप मानते हैं किसी भी देवता की चाहे गुरुद्वारा साहब में पूजा करनी है तो अपने को जल तो सबसे पहले जरूरत है जी। जे आपका जल ही दूषित है आप मड़े नाल गलबात करदे नाले दिखाउने आ पंडित जी। एक सब तो वड्डी मैं सवाल यह पुछदा भी जदों तुसीं आ कम करन लगे कहिंदे नहीं हुंदे भी जदों कोई चंगा कम करन लगे तो उदों मगर लत्तां खिच्चण वाले बहुत हुंदे आ उदों ताने मैने बजे फिर पंडित जी नूं बहुत लोकां ने जी अग भी असीं तो शुरू तो जल प्रवाह करदे आ जी सानूं तुसीं इह चीज़ नहीं करो रोक नहीं सकदे मर रोक नहीं रहे भाई तुहानूं विनती करे आ ठीक है उन्होंने समझाया कि भी ये दस कि भी लिख किथे रखा शास्त्र अंदर या गुरु वाणी के अंदर है नहीं कहा भी ये तो पंडित जी नूं पता ही नहीं इन्हों तो शास्त्र साढ़े पंडित नूं पता जिहड़ा दसदा है नहीं जी मोस्टली हरेक पंडित नूं ये चीज़ जाके मंदिरां च भी असीं हुण मंदिरां च है हजारां दे हिसाब नाल चुनियां इकट्ठी हो रही हैं ठीक है। मैं एक मंदिर का पुजारी हाँ पहला की चीज़ सीगा असी भी नहीं पता सीगा किसी चीज़ बारे पहले ब्राह्मण से जल प्रवाह कर देते थे लेकिन अब माता की जितनी मंदिर में चुनियाँ आती हैं जितने एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं उनका मंदिर में संस्कार करते हैं और संस्कार का तो बहुत पुण्य है कोई पाप नहीं है इस चीज़। मैं एक बार तस्वीर फिर दिखा देवा इस तस्वीर के विच तुसी देख के हैरान हो जाओगे आ देखो एक किसी नूं मोमेंटो मिलिया होना तो सिख विरसा ये पूरा लिखा हुआ तो गुरु साहबान के जोड़े पूरा जोड़े चिन्ह ने नाम ने वो सारी चीज़ के विरसे के तौर पर लिखी है। जेकर ऐसा तस्वीर तुम बाज़ार चो लैन जाओ तो मैं लगता भी ये तस्वीर बनाने भी बड़ा नहीं तो 1500-2000 रुपये खर्चा आ जाता है यू फ्रेमिंग करते यू सारे तो गणेश जी की एड्डी सोहनी तस्वीर है तो आप नतमस्तक होंने सारा दिन परमात्मा नतमस्तक होंने बाबे का नाम जप के तुरद हैं ये चीज़ा क्यों लोग लगता नहीं पंडित जी जिम्मे हूँ ये चीज़ा ने भी ये चीज़ा इन सोहनिया चीज़ ने इन्नी वधिया चीज़ा लिखिया हुई ने जां गणेश जी तस्वीर क्यों सिटदे ने लोग जो लियांदे ने उदों तां मत्था टेकदे ने। वीर जी अज कलयुग है कहते हैं सर्व धर्म सर्व पापा ठीक है लोग तो अपने माँ बाप को नहीं रख सकते जब मूर्तियाँ थोड़ी सी भी वो हो जाती है 100 पीस बना के रखते हैं ये भगवान की या मर्यादा के हिसाब से रखे तो ये ना यहाँ पर लिया के रखे ना नहर में डाले ये कितने कितने दुकाना वाले भी सकंजा कसना चाहिए भी जिदे जिहड़े भगवान के स्वरूप है उन्होंने मैं कहना भी देना ही नहीं चाहिए किसी बंद भी जो अंदर रख नहीं ये प्रशासन का काम है अगर जी ये चीज़ हो जाए उस वर्गी रीस ही नहीं है। अब कोई भी चीज़ है ग्रंथ है बाहर से अपने को मिल रहा है कोई भी आदमी से ले रहा है तो उसका ये नहीं पता कि उसको कितने से संभाल रहा है और यही चीज मूर्तियों की एक एक घर में से। अच्छा दूसरा नंबर क्या चीज है आज चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई सिख है जो कन्वर्ट होता है भाई या धर्म परिवर्तन करता है मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन आप भाई जिसको पहले माँ बाप मानते थे अपने गुरु मानते थे उनका कम से कम भी आपको घरों में नहीं रखना हमारे को फोन करो आपके घर में से लेके जाएंगे आदर सत्कार के साथ आदा खाने वाली चीज है ये भी फिर वहीं चल दिए काम। अब लकीर का फकीर किसको कहते हैं जी है। अभी आपने इसमें जल में किसी बच्चे को गरीब को दे दो आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक है उसके पेट में तो पड़ेगा लेकिन नहीं ये चीज नहीं करनी है ये हमारे नहर में डालनी है बस आदत तो बन गई आदत नहीं जी बनाई गई लोगों का माइंड सेटल किया गया हम लोगों ने जो जाने लोगों के मैं देखा लोगों को इतने नहर से भी हाथ बन रहे थे गलियों भी जाने लोगों के मूहे हाथ बनते बेनती करते हो फिर लोगों का रिस्पोंस कहे जा रहा है बहुत बढ़िया रिस्पोंस है जोड़े पढ़े लिखे हरेक चीज़ में गल करते हैं तो इस चीज़ को कहें कि भी हाँ बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं अगर भाई कईयों का फोन आता है गलियों में से फोन आता है कि भाई पंडित जी आज हमारे यहाँ जल प्रवाह का सामान लेके जाओ तो लेके जाने असं तो सा भाई साहब होर भी मौजूद है भाई साहब तुसी भी अक्सर देखते हो ये हालात देखते हो नहर के धुंदे लंघते हो लोग इतने लिया के कूड़े वाला लफाफा ए सट देंगे है बंद लफाफा सोचते नहीं किमें लगे भाई साहब का उपराला दे बहुत अच्छा गल कम कर रहे हैं जी पंडित जी इन्होंने मैंने दसा है भी असी बदल रोड से बगला मुखी जी का मंदिर बना रहे हैं उस असी अग्निकुंड बनाया है उन्हें सानू दे के जाया करो जो असी रेहड़ी हर रोज़ हरेक एरिए भेजते हैं पूरे बठिंडे के शहर स्टार्टिंग की हैगी हौली हौली 8-10 रेहड़ियाँ अभी होर शुरू करा उपराला किस तरह लगता भी लोगों का रुझान कहे जा मिले
सही मिले जी लोगों तोड़े सामने है देखो लोगों ने श्रद्धा ना ही रख रहे क्विंटल हिसाब से समान कट्ठा हो जाता बिल्कुल जी डेली चार पांच क्विंटल समान कट्ठा हो जाता है डेली डेली का जी एडी फिर आने वाले समय तो मतलब बड़िया ट्रालियां का प्रबंध करना पैना करना पेगा जी यानी कि अज तीन ऑटो है साढ़े को तीन ऑटो पूरी तरह तो भरके आते दिन चे दो बारी भरके आते मतलब फिर नहर के डेली का सत्त अठ क्विंटल समान रोक रहे हैं सब कुछ बदलिया जा सकता फिर आखिर तो उही है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत यह तीन चीजा इंसान नूं जाउण दे लई चाहीदियां ने यह तीनों चीजा बहुत जरूरी ने जरूरी तां ने क्योंकि जे हवा चंगी होगी तो सह चंगा आऊगा जे पानी चंगा होगा तो अपना शरीर चंगा होगा जे धरत माता चंगी होगी तो वो उगण वाला अनाज चंगा हो तो अपना जीवन भी चंगा होगा ये भाई साहब का एक वक्रा उपराला तो वक्रे उपराले कहिंदे जो ये उपराले करने तो ताने मीणे बहुत पैंदे ने तो ताने मीणे बहुत चलने पे हाँ जी हाँ जी आउण दिओ तुसीं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपके माध्यम से जो व्यक्ति जल प्रवाह का सामान डालता रेहड़ी में हमारी एक ही उससे रिक्वेस्ट है अगर भी हमारे को महीने का एक पौधा दान दे ऐसी महीने के लास्ट वाले दिन वह पौधे जिथे भी सरकारी या जिथे भी सानू जरूरत है पौधे हवा, हवा भी साफ हाँ हवा भी साफ हो इस चीज़ का ऐसी कहते हैं जी जो हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है अगर भी आप एक मूर्ति प्रतिष्ठा कराते हैं तो सात पुस्तों तक आपको उस चीज़ का पुण्य मिलता है लेकिन यहाँ पर शास्त्र में लिखा गया आप एक पौधा लगाते हो और वो पौधा बड़ा हो जाता है उसमें पक्षियों की कितनी पीढ़ी आके बैठती है कितनी पीढ़ी जन्म लेती है कितनी पीढ़ी वहाँ पर अपना घर बसाती है वो सबसे धरती का सबसे बड़ा पुण्य है एक पौधा लगाना ये मान के चलो आपका जो पितृदोष को आप बार बार रोते हो आपका पितृक दोष खत्म होता था प्रेतिक दोष खत्म होता है अपने पिपल की पूजा के लिए लोग कहते हैं पिपल पे गंध डाल के चले जाते हैं मंदिरों में पानी डाल लेकिन अपने को ये नहीं पता पिपल की पूजा का महत्व नहीं है पिपल के नीचे बैठ के पूजा करने का महत्व है जो इसके अंदर हमारा धर्म विज्ञान के साथ हर एक जगह जुड़ा हुआ है लेकिन अपने लोगों ने इसका उल्ट कर लिया अब तुलसी माता है मंदिरों में लगी होती है दस दिन से ज़्यादा हमारी तुलसी नहीं चलती कारण क्या चीज़ है सौ आदमी आते हैं सौ के सौ पानी डाल के जाते हैं अब तुलसी का पौधा तो इतना सारा है यार उसको तो आधा लीटर पानी भी नहीं चाहिए डेली का लोग तेल पाई जाते ठीक है ना तेल पाई जाते कोई जोत लगा लिया उसको पिपल को आग लग गई आज जो मंदिरों में आज से 15-20 साल पुराने पिपल खड़े हैं वो हैं नहीं आज जो भी पिपल लग रहे हैं मंदिर में पिपल नहीं बड़ा होता कान आप नहीं होने देते आप कातिल जाते आप मंदिर में मत्था टेकने के लिए लेकिन आप पाप करके आ रहे अभी कम से कम आपको जहाँ पर बैठने की आपका शास्त्र कह रहा है कि नीम पिपल बोर्ड 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं लेकिन आप फिर भी इसकी बिल्कुल इसको ख़त्म कर रहे हो यार अरे ये किसी धर्म के लिए नहीं अभी एक हिंदू धर्म है चाहे कोई सिख व्यक्ति भी वहाँ पर पिपल के नीचे बोर्ड के नीचे पाठ करता है उसका आनंद ही कुछ हो रहा है आप एक बार इस चीज़ को करके देखो बहुत बहुत धन्यवाद कितने ना कितने जेकर जिते में पंडित जी ने गल कही तो गुरु घर के जिहड़े ग्रंथी सिंह ने जां पंडित ने वो लोगों को अवेयर करन तो आने वाले समय के आप सुख का सह लैके असी भी इस जिंदगी सुखी दे नाल बतीत कर सकते हैं तो यह वक्रा उपराला सीगा तो वक्रा उपराला किस तरह लग्या पंडित जी का ये तस्वीर तुहानू दिखाईआं ने मैं कैमरा परसन हैरी दे नाल बठिंडा तो जस्सी बराड़ देखते रहो प्राइम एशिया टीवी तुहाडा अपना तुहाडे लई सत श्री अकाल जी